आपने फिल्म शोले का वो डायलॉग तो सुना होगा असरानी साहब का, जिसमें वो बोलते हैं कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। आपने बड़े पर्दे पर अंग्रेजों के जमाने का जेलर तो देखा, लेकिन क्या आपने अंग्रेजों के जमाने की वो कोठी देखी है जहां आज भी मौजूद है वो हिस्से और वो सामान जो आज़ादी के पहले था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीली कोठी की। तो चलिए हमारे स्पेशल शो की करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं हूँ मुदिता। गाजियाबाद के मसूरी में 150 साल की एक पीली कोठी। इस कोठी में छिपे हैं कई ऐसी बेतहाशा कहानियां। तो हम आए हैं गाजियाबाद के मसूरी में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पीली कोठी है, जिसे हम पीली कोठी कहते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी शानदार इसमें नक्काशी की गई है, बहुत शानदार तरीके से इसे बनाया गया है। आप ऊपर के एरिया में आप देख सकते हैं, इसे हम बुर्ज कहते हैं। और ये बुर्ज में कुछ शीशे लगे हुए हैं, कुछ शीशे टूटे हुए हैं। ये पूरा एरिया एक छत का है। अभी हम इस छत पर आए हुए हैं, और छत पर जो ईंटें भी हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, कम से कम महज 100 साल से भी लगभग ऊपर। और ये आज भी जो कि त्यों है। आप देख सकते हैं ये एक एरिया है, ये भी थोड़ा सा छोटा सा कमरा है। और यहाँ आने से पहले लगता है कि यहाँ सन्नाटे का साया होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन भीतर जाने के बाद पता चलता है कि जिनकी ये कोठी है उनके वंशज रहते हैं यहाँ। विशाल, भव्य और देखने में रहस्यों से भरी कोठी इतनी उपेक्षित क्यों? इस कोठी की बनावट ऐसी है कि बाहर से देखने में ही रोमांचक लगती है। कोठी को समझना वैज्ञानिक भी है और रोचक भी है, क्योंकि हर कमरा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऐसा शायद तापमान को संतुलित करने के लिए बनाया गया होगा। यह कोठी अगर 150 साल पुरानी है तो उस जमाने में ना एसी होता था, ना पंखे और ना ही कूलर। लेकिन तब भी मई जून में भयानक गर्मी पड़ती थी, इसलिए तापमान को सामान्य स्तर पर लाने के लिए हर कमरे में कई दरवाजे लगाए जाते थे, कई झरोखे होते थे, ताकि हवा के प्रवाह की दिशा को ध्यान में रखते हुए खोला और बंद किया जा सके। बता रहे हैं कि ये बुर्ज है, इसमें क्या होता है? ये देख, अपनी निगरानी करने के लिए ऊपर से ही, गांवों के लिए निगरानी करने के लिए ऊपर से दूरबीन से सब निगरानी करती थी मैडम। अच्छा, वहाँ पे चढ़ के? जी, वहाँ कैसे पहुँचते? ये इधर सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर, यहाँ 4-5 ऊपर बार चढ़ना पड़ेगा आपको, ऊपर सीढ़ी से पहुँचना। और ये अभी तक इसके शीशे भी टूटे नहीं है? क्यों नहीं, ये तो टूट गए थे तो अभी रिपेयर करें हैं, पहले जी दोबारा लगाए। और ये अभी तक ईंटें ढही नहीं, मतलब कुछ भी, मतलब होता है? निकलवाया इसका पुराना प्लास्टर निकलवा के अब इसमें नया प्लास्टर करेंगे। तो जितनी पुरानी की अभी ये पुरानी है जबी की जी, हाँ, तो इनकी रिपेयरिंग की वजह से जो गल गई है ईंट, वो निकाल के नई ईंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत पुरानी होगी ना बिल्डिंग, 150 साल से पुरानी होगी, तो इसकी रिपेयरिंग चल रही है अभी। ये अंग्रेजों का जो शासन आप बता रहे हैं कि यहाँ पे रहते थे, निगरानी करते थे, यहाँ से वो दिल्ली और यहाँ से नहीं, दिल्ली नहीं, 12 गांव अपने ऊपर से देखते थे अपना एरिया। ये खेती थी इधर, इनमें ये आबादी जो दिख रही है आपको, ये सब खेत थे, तो अपने पूरा खेत की निगरानी के लिए खेतों को अपना ऊपर से ही देखते थे, खेत में कहाँ कौन क्या कर रहा है, ऊपर आए और ऊपर से देख लिया। अच्छा, जो जितने भी गांव वालों से लगान वसूली करते थे तो वो देखते थे कि हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, कहाँ किसान कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है खेत में, कहाँ कोई, तो ऊपर से ही निगरानी करी और अपना डिसीजन ले लिया। क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं फ़ोन सुविधा है या वाईफाई है कि आप एकदम ऊपर से ही हो जाता। कुछ देख रही हूँ ये क्या है, और ये जो चार खाने वाले टाइप्स के जो हैं, ये मुझे जानने, ये है क्या? इसमें मटके रखे जाते थे पानी ठंडा करने के लिए। जी, हवा की वजह से, इसमें हवा घूमती थी इस बिल्डिंग में, तो उससे पानी ठंडा होता था, फ्रिज था नहीं उस वक्त, तो फ्रिज का ये पानी यूज़ होता था पीने के लिए।
कि यहाँ ड्यूटी लगी रहती थी उनके पानी की? नहीं नहीं, सबके लिए, जो हाँ जो पीते थे ब्रिटिश वाले गवर्नमेंट के जो थे अंग्रेज, वो जो पानी पीते थे उन्हें तो ठंडा पानी चाहिए था, वो ठंडा पानी यहाँ मटकों में रखा जाता था। आपकी कहने का मतलब ये जो पूरा एरिया है वो ठंडा रहता था हवा की वजह से? आती आप अंदर खड़े हुई है, अभी आपको देखे बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। आइए, धरोहर है फिर आप इसको क्यों? नहीं, इसे रिपेयर करा रहे हैं, ऐसा ना बहुत खुली हुई है, जैसे ज़्यादा टूट फूट हो गई है, अगर देखेंगे नहीं तो और टूट फूट होने लगेगी, फिर भाई इतनी पुरानी है। मेंटेनेंस करा रहे हैं, इसी वजह से कि जैसे ईंटें कोई ख़राब है वो निकाल दी, जो खिड़की दरवाजे टूट गए, खिड़की दरवाजे अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। किसके अंडर में आता है ये पूरी कोठी? ये मेरे अब तो मेरे अंडर में है मैं, और पहले मेरे वालिद के अंडर में थी, दादा के अंडर में थी। मेरे वालिद यहाँ से सांसद रहे हैं, XMP अनवार अहमद, अब तो वो एक्सपायर हो गए। अब मैं हूँ उनका बड़ा बेटा हाजी ताहिर, एक मेरा भाई है इफ्तखार अहमद, दो फैमिली हम इसमें रहते हैं। पूरी कोठी में सिर्फ दो फैमिली? दो फैमिली हैं, बच्चे हैं हमारे। हवा आई और मतलब यहाँ चारों तरफ से हवा आई, हवा जाती है सीधा इस वाले रूम में। और यहाँ से भी हवा आ रही है पानी, जो तो पानी हवा से मटके का जो पानी होता है वो हवा से ठंडा होता है, या रेत में दबा दीजिए जब ठंडा होगा तो उसको हवा चाहिए, हवा जब लगेगी उसमें गर्म हवा तो जब पानी ठंडा होता। दादा आपको हवा फील हो रही है? देखिए ये जो जगह है ये यहाँ पे मटके रखे जाते थे और यहाँ आज भी ये स्टैंड ऐसे, ये ज्यों का त्यों है। और हवा यहाँ पे बहुत मीठी हवा आ रही है। जाते थे छोटे मटके नहीं, बहुत बड़े बड़े मटके रखे जाते थे, मेरे फादर बताते थे कि इसमें इतने बड़े बड़े मटके रखे जाते थे कि पूरे दिन के लिए पूरा हो जाता था। अच्छा, जान फैमिली के लिए, मेंबर के लिए, फिर शाम को सुबह को फिर, क्योंकि उनके तो नौकर चाकर बहुत होते थे किसान, वो फिर शाम को फिर पानी भरा जाता था, फिर रखे अगले दिन यूज़ होते थे। इस क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पर रह के? अच्छा लगता है। डर लगता है? ना ही, भट्टा लगाया था और वैसे बनाया था उस वक्त, तो यहाँ कच्चे मकान थे सब। 5 किलो की ईंट है, 5 kg की। अब जो डबल आती है 4.5 की, 5 भी नहीं आती, 4.5 की ईंट आती है, 2 जोड़ा, जिसे जोड़ा कह देते हैं। अब देखिए हवा आ रही है ना, आ रही है ऐसा है। इसमें पंखे की जरूरत है, क्योंकि पंखा था ही नहीं उस वक्त, लाइट ही नहीं थी, किसी वक्त आई है लाइट। ऐसा ऐसी कोठी बनाई गई कि जहाँ गर्मी नहीं लगे, सर्दी नहीं, नहीं है दोनों तरफ से। थी कि लोहे का बनवाएंगे तो अब नीचे का रह गया। अच्छा, ऊपर का रह गया। अच्छा, ये सीढ़ी पे सीढ़ी ऐसे रहे। 4 बुर्ज हैं, सारे चार मंजिल है। जब जाकर आप बुर्ज पे पहुँचेंगे, एक तो हम खड़े, 2, 3, 4 बुर्ज में पहुँचेंगे। ऊपर भी ऐसे ही सारे कमरे हैं? नहीं, बस यही है, ये पोर्शन है बस, ये बाहर से आपको दिख रहा है यही बस। इधर एक कमरा है, इधर का एक रूम है, इधर एक रूम है। हाँ, ऊपर सारा बस एक पोर्शन। हाँ, एक पोर्शन है। निश्चय ही ये कोठी तभी संपन्न रही होगी और आज दरवाजे, सीढ़ियाँ, गलियाँ, कमरे सभी वीरान पड़े थे। मसूरी में ये पीले रंग की कोठी एकाएक ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। कुछ अलग हटकर बनी कोठी को लेकर जहन में कई सवाल खड़े होने लगते हैं कि आखिर इतनी शानदार कोठी का मालिक कौन है और इसकी इतनी दुर्दशा क्यों है। जहन में इस तरह के सवाल उठते रहते हैं पर कोठी से नजरें नहीं हट पाती हैं। कोठी के ऊपरी सिरे पर 2 चिमनी जैसा दिखाई देने वाला डिजाइन उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कर्नल थे, इंजीनियर, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गांव दिए थे यहाँ हमारे यहाँ, 12 गांव। उस 12 गांव से लगान वसूली के लिए उन्होंने ये अपना स्टे रूम बनाया था, ये कोठी जब बनाई थी। उन 12 गांवों से लगान वसूल करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुँचाते थे, ये इसका रियल मतलब मोटिव था यहाँ कोठी बनाने का। ये तो
मतलब इसके बाद उनसे कोठी हमारे जब देश आज़ाद हो गया 47 के बाद तो 70s तक रहे, 1970 तक यहाँ रहे। हाँ, उसके बाद उन्होंने वो यहाँ से जब गए तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी शुरू करी, तो उसमें हमारे दादा हमारे फादर ने मिल गए, ये कोठी ले ली उनसे। फिर जब से फिर हमारे फादर दादा चाचा हम सब साथ रहते थे। इस कोठी का नाम पीली कोठी क्यों है? ये तो पीली कोठी उन्होंने ही रखा था अंग्रेजों ने, जब से ये ऐसे ही पीली कोठी के नाम से ये फेमस है। ये कह रहा हूँ, हमने जब अपने बड़ों से सुना कि पीली कोठी इसका नाम ये रखा गया कि बाहर से जो भी थे आज तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ, पीले ही रहा, कभी भी इसका कलर करवाया जिसने भी, ये भी पीला मिला इसका, तो इसका नाम पीली कोठी इसलिए रखा हुआ। और कुछ इसके उसमें हिस्ट्री में भी है कुछ, इसके ऊपर पीली टोपी के ऊपर कुछ छोटा सा टोपी पीली नाम के ऊपर। हालांकि मरम्मत के अभाव में जगह जगह से प्लास्टर झड़ने लगा है, देखकर लगता है कि काफी दिन से इसकी रंगाई पुताई भी नहीं हुई है। 1864 में बनी इस कोठी का नक्शा भी इंग्लैंड का बना हुआ है, और इसलिए इस कोठी में कई सामान हैं जो मेड इन इंग्लैंड हैं। टेबल कहते हैं ये ड्रेसिंग टेबल, ये भी मेड इन इंग्लैंड। अच्छा, ये काम करता है? काम करता सब, काम करता ही। अरे ये टाइल्स मुझे लग रहा है आपने लगवाई है। स्टोन क्या? स्टोन स्टोन पत्थर। अच्छा, मार्बल? नहीं नहीं नहीं, इसी के साथ। हाँ, यहाँ भी मार्बल है, यहाँ भी मार्बल है। जी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कोठी का निर्माण 1864 में कराया था। कोठी का रकबा 20 बीघा है, जिसमें से करीब 3 बीघा जमीन पर कोठी बनी हुई है। कोठी में शानदार 40 कमरे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोठी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सर्दियों के दिनों में गर्म और गर्मियों के दिनों में ठंडक रहती है। इस कोठी में कितने कमरे होंगे? तकरीबन 40 40 जी, नीचे 20 ऊपर? नहीं, छोटे बड़े सब, जैसे बड़ा कमरा वो छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़े तो कम से कम 15 हैं, 15-16, बाकी छोटे बड़े लगे। फ्लोर तो ये 2 फ्लोर हैं, बाकी फिर छोटे छोटे फ्लोर हैं ऊपर, 4 फ्लोर ऊपर हैं, 2 ये फुल फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये तो बहुत बड़ा है, बाकी छोटे छोटे फ्लोर हैं ऊपर, जो वो उसका वो है आर्किटेक्ट ऊपर डिज़ाइन, उसमें 3-4 फ्लोर हैं ऊपर जाने के। ऊपर क्या क्या होगा? ऊपर कुछ नहीं, खाली है। हाँ, रूम्स हैं। इसके बाद भी अधिक सर्दी पड़ने पर कोठी को गर्म करने के लिए सभी कमरों में आतिशदान बनाए गए हैं, जिसमें लकड़ी जलाने के बाद कमरे का तापमान सामान्य हो जाता है। एक तो कोठी विशाल, साथ ही कोठी को जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसे समझने में समय लगता है, क्योंकि जो भी सामान यहाँ रखा है आदमी एक टक देखता रह जाता है। कोठी में हर चीज का पूरा ख्याल रखा गया है। एक बड़ा डाइनिंग रूम बना है। इस हाल में 2 बड़े लैंप लगे हैं, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर जलाया जाता था। बाद में बिजली की व्यवस्था होने पर उसमें बिजली के बल्ब लगा दिए गए हैं। इन लैंपों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हल्के से सहारे से नीचे की ओर लाया जा सकता है और रोशनी के लिए ऊपर किया जा सकता है। तो हम पीली कोठी के अंदर आ गए हैं, और पीली कोठी में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेजों के ज़माने की हैं, जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आप मुझे कुछ ये लैंप के बारे में बता रहे थे। ये केरोसिन लैंप है, और उस वक्त केरोसिन लैंप जल होता था ये, बाद में इसमें इलेक्ट्रिक का सिस्टम करा, जब कभी लाइट आई होगी उस वक्त अंग्रेज़ों ने करा ये। और एक आपका ये, हाँ, इस लेडी के लिए जैसे आपको लाइट आप एडजस्ट करनी है थोड़ा ऊपर नीचे, तो इसका ये सिस्टम है। उस टाइम से ये ऐसे ही चला है? ऐसे ही है, और इसी जगह लगा हुआ जब से। जी जी, लगा हुआ है। इसमें कोई जंग वगैरह नहीं? नहीं, कुछ नहीं, जैसा भी किस मटेरियल का ये तो मुझे नहीं मालूम, ये एज इट इज एज ही है। हाँ, 150 साल हो गया इसको। 150 साल? हाँ, 150 ईयर्स। अच्छा, लाइटिंग बल्ब जो आपने खुद लगाया? हाँ, लाइटिंग हमने कराया। और ये पंखा ये क्रम्पटन ग्रीव्स का है, मेड इन इंग्लैंड। जी, ये कोठी के साथ का ही है, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही लगाया होगा। जी, ये आप बचपन से देखते हैं? बचपन से देख रहे हैं, 50 ईयर्स की तो हमारी भी एज हो गई है, उससे पहले हमारे फादर सब
तो ये कोठी के साथ ही था जब हमने खरीदी थी ये, तो इसमें ये ऑलरेडी लगा हुआ था। सभी पंखे हर रूम में है ये जी, सभी में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी खराब हो या बंद नहीं हुआ है, और कभी कोई ऐसा इसमें फॉल्ट भी नहीं आया है कि भाई ये रुका हो या नहीं, बस रेगुलर चल रहा है। बड़ी अच्छी, ऐसा ही कॉल लैंप उधर भी मैं देख रही हूँ, उधर भी इसका ये पेयर है जी। क्या कुछ कीमत, कुछ आइडिया लग सकते क्या कीमत का? तो कुछ मालूम नहीं है, एंटिक है, कीमत का मैं कैसे बता सकता हूँ जी। जी कुछ पेंटिंग्स मैं यहाँ देख रही हूँ, ये इसी के साथ थी, हम भी बचपन से देख रहे हैं ये पेंटिंग, कोठी के साथ थी। जो उस टाइम हमें सामान मिला कोठी का, वो फर्नीचर, ये पेंटिंग, ये चेयर है, ये आपका सोफ़ा है, ये सब लकड़ी सब उसी वक्त की, पेंटिंग भी उसी वक्त की है जी। क्या साल बता रहे हैं? ये 1864 में ये है कोठी जी, 1864 लगभग 150 अबव ईयर्स हो गए, मतलब 150 साल तो मोटे मोटे हो गए। ये सारा कंस्ट्रक्शन उन्हीं का ही है? उन्हीं का करा हुआ है जब से, हम तो बस मेंटेन कर रहे हैं जी। और ये एक यहाँ पे मैं देख रही हूँ शायद आतिशदान, जिसमें आप आग जलाइए सर्दी में, तो रूम जो है हीटर का काम करता है ये। पहले हीटर नहीं हुआ करते उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी, तो इसको यूज़ करते थे, और आज भी ये यूज़ करते हैं हम, ज़्यादा सर्दी पड़ती तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। इसमें आप आग जलाएंगे तो ये इसका जो धुआं है वो ऊपर चला जाएगा, चिमनी है ऊपर टेरेस पे। अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे ना थोड़ी ठंडक महसूस कर रही थी, गर्मी मुझे पसीना भी नहीं आ रहा, यहाँ ठंडक में ऐसा क्यों है? वो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मोटी दीवारें हैं, बहुत 3-3 फिट की दीवारें हैं, तो वो टेम्परेचर को अब्जॉर्व कर लेते हैं। बस बाहर जो है ठंड होती है तो अंदर गर्मी, मतलब बाहर अगर ठंड है तो अंदर आपको गर्मी लगेगी, और बाहर गर्मी है तो अंदर ठंड हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। तो अंदर और भी कुछ है? नहीं है, कोई एसी नहीं है, कूलर कोई एसी नहीं है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है अपने आप जी। इस कोठी में आज भी बेल्जियम के 6 फुट के बड़े शीशे लगे हैं, जो कमरे की सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और अंदर क्या है कुछ और दिखाता हूँ। बेल्जियम का शीशा है, जो बेल्जियम मेड इन बेल्जियम है, उसी वक्त का कर्नल, जो जिनसे हमने ली थी, कर्नल थे वो इंग्लिश पीरियड के, उस वक्त के कर्नल थे वो, तो उनका है, दूसरे रूम में है, बेल्जियम के हैं वो, मेड इन बेल्जियम शीशा जी, ग्लास, हाँ ये मेड इन बेल्जियम, ये भी इंग्लैंड टाइम का है, पीरियड का, ब्रिटिश पीरियड का। क्या है शीशे में खास? ये जैसा है ऐसे ही आज तक ख़राब नहीं हुआ है जी, कुछ नहीं, कोई दाग नहीं, कोई स्पॉट नहीं, सेम है ऐसे का। आपने इसे ऐसा रखा या ऐसा रखा? ऐसे ही रखा हुआ था, ऐसे ही जी। कभी जैसे गिरी या नहीं? नहीं 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 नहीं, कुछ इसका बस पीछे सेफ्टी के लिए हमने उसमें चेन डाल दिया कि कभी गिर ना जाए, पुराना हो गया ना बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड का। कहीं इसमें मेंशन नहीं कि ये बेल्जियम का है या इंग्लैंड का, कहीं कुछ मेंशन नहीं? नहीं, उन्होंने जब हमने लिया था जब ही बताया था, उन्होंने ब्रिटिश फादर बताते थे हमारे कि मेड इन बेल्जियम है, क्योंकि शीशा उस वक्त बेल्जियम में ही बनता था। जब ये कोठी बनी है तो शीशा जो मेड इन मतलब बिल्ट होता था वो सिर्फ बेल्जियम में ही होता था। ये सब यहाँ भी मार्बल, यहाँ भी आतिशदान, जब उसी वक्त का है, कोठी के साथ का, हमने कुछ नहीं किया। ये शेयर भी कोठी की है। कितनी हाइट होगी शीशे की? इसकी 6 फिट, हाँ 6 से अबव होगी, 7 भी हो सकती है, तो मेरी हाइट से बड़ा है तो 7 है, 7'4" है ये, 4'7". तब उस टाइम जो भी अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था, तो जो भी महारानी वगैरह रहती थी तो वो इस शीशे में खुद को देखती थी क्या रहती है। कोठी में शीशम और सागौन की लकड़ी से सजावट की गई है। दरवाजे शीशम की लकड़ी के बने हैं, जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत हैं। कमरों के कोने में रखने के लिए छोटे छोटे स्टूल बने हैं, जो एकाएक आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अलग अलग कमरों में लकड़ी की 6 अलमारी रखी हैं, जो अपने होने का एहसास कराती हैं। छत पर जाने के लिए कोठी के अंदर ही लकड़ी की सीढ़ी बनी थी, जिन्हें रख रखाव के अभाव में दीमक चाट चुकी है। खराब हो गया तो ये अभी मेंटेन का ऊपर का रिपेयर कराया है, अब ये इसे हम लकड़ी का नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो दीमक लग जाती है ना, दीमक बहुत पुराना हो गया, तो ये हमने इसे ख़त्म कर दिया। ये लकड़ी का नहीं रहा है, जैसे ये लकड़ी है इस टाइप का दीमक लग जाती है पुरानी लकड़ी में, तो इसलिए इसे रिपेयर कराया है।
ऊपर का तो रिपेयर करा दिया। यहाँ पूरी सीढ़ी थी जी जी, ऐसे टर्न ली, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से ऐसे चले, तो ये ऊपर का तो रिपेयर करा दिया। इसे हम अब बनाएंगे लोहे का, आयरन का। इस कोठी में कई फिल्म और सीरियल की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें सुपर सिक्स, रन और भवर जैसी कई हॉरर सीरियल की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। करीब 20 साल पहले अभिषेक बच्चन भी रन फिल्म की शूटिंग के लिए यहां आए थे। अभिषेक दिल्ली में ठहरे थे और दिन में इस कोठी में शूटिंग करने आते थे। हाल में यहां अनवार अहमद के बेटे ताहिर अहमद और इफ्तिखार अहमद परिवार के साथ रहते हैं। मेरा इफ्तिखार नाम है और बबलू कहते हैं। कितने साल से यहाँ रह रहे? बचपन से। बचपन से। कभी कोई डर लगता है कि कोठी में रह रहे हैं? डर नहीं, नहीं हमें नहीं लगता, लेकिन जो भी नया आता है उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप लोगों को डर लगता है। नहीं, हम लोगों को नहीं लगता, बच्चे इन्हें भी नहीं लगता। आपके लिए तो सबसे है कि आपके घर में देख रही हूँ ना कूलर है ना एसी है। नहीं, इस फ्लोर पे जरूरत नहीं पड़ती है और ऊपर जरूरत पड़ती है। फिर अभी थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है, वो हो जाए तो ऊपर तो डेफिनेटली एसी चाहिए होगा, लेकिन नीचे जरूरत नहीं है। कहा जाता ना कि यहाँ पे गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्मी। अब देखिए, बाहर का मौसम ठीक है तो थोड़ा गर्मी हो गई है, और जैसे जैसे विंटर्स आएंगे तो ये और गर्म होता चला जाएगा। देहरादून से आप इस कोठी में जब आई तो आपको डर लगा था यहाँ? बस तभी लगा था, अब नहीं लगता है। क्या सोच रही थी, पहला रिएक्शन क्या था आपका कोठी देख? बस यही डर ही लगता था शुरू में, तो कोई रिएक्शन नहीं था, और कुछ नहीं था, बस डर लगता था। तब तो मतलब अंधेरा हो जाता तब डर लगता होगा? बस तभी रात में, बाकी नहीं लगता था। अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। बच्चों को भी नहीं लगता है? मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ बाहर होती थी वैसे यहाँ पे भी? शाम में बाहर निकलते हैं, बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे? सबसे अच्छा है आपको क्या लगी आपको? बस हर चीज़ खुली खुली, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब कहीं और चले जाएं, हमें वहाँ देख के लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह रहते हैं। ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पे बहुत सारी मेड इन इंग्लैंड के सामान देखे, बेल्जियम शीशा देखे, तो आपको उन सारे प्रोडक्ट्स में क्या सबसे अच्छा लगा कि बहुत यूनिक चीज़ है, इसको संभाल के रखें? सभी कुछ, अब तो अपना घर है तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। अब तो घर भी सब कुछ अच्छा लगता है, शुरू में डर लगता था, वो भी कुछ नहीं है। घर वाले आते देखते हैं तो आप उनको सब बताती हैं ये सारे इतिहास, ये कहानियाँ? घर वाले आते हैं, थोड़ा उन्हें बताने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब दो तीन दिन जाते हैं या कुछ एक दो दिन जाते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है घर में घूमने, तो वो भी रहता है कि हाँ मतलब घर इस लायक है कि सब आते हैं देखने। बाहर से लोग देखने आते हैं? आते हैं, कभी कभी आते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।